तेरी आंखें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं किसी शांत सागर में डूब रहा हूं, गहरे और गहरे। तेरी मुस्कुराहट तो ऐसी है जैसे प्रसन्नता की कोई लहर मेरी ओर बड़ी चली आ रही है। और ये आभा, ये तो इतनी मनमोहक है कि मन कर रहा है स्वयं को न्यौछावर कर दूं मैं तुझ पर। लो कर लो बाप, मेरे प्राण लेने आए थे, अब स्वयं ही न्यौछावर हो रहे हो। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? कैसे भूल गया मैं कि तू तो एक छलिया है। जैसे तूने सारे गोकुल वासियों को मोह रखा है, मुझे भी सम्मोहित करने चला था, किंतु मैं तुझसे सम्मोहित नहीं होऊंगा। जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। अच्छा जे बताओ भाभी, पहले हमें क्या करना चाहिए? बोलो ना, पहले हमें स्नान करना चाहिए या पहले हमें अमिया तोड़नी चाहिए? जेरा जेरा, ये तेरे बाव के पास पड़ा एक पत्थर। वाह जेरा, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है। जानकी, इसी से जानकी ले। भाभी कहाँ खो गई? भाभी क्या होगा? आप भी ध्यान दो ना, पेट में चूहे कूदे हैं। मुझे अचानक विचित्र सा लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना? ये क्या कर रहे हैं आप? ये नीलमणि के पालने के पास क्यों आना पड़ा आपको? हमें पालने के पास क्यों आना? हाँ, वो नीलमणि की माला पालने में गिर गई थी, तो हमने सोचा वही पहना दे। ये देखिए ये माला लाइए, मैं पहना देती हूँ। हाँ पहनाइए। वैसे आपको क्या लगा कि हम बालक को कोई क्षति पहुंचाना चाहते हैं? अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो उसके नाना जैसे हैं। तभी तो यशोदा हमें इसके पास छोड़कर गई है, बहुत विश्वास करती है वो हम पर। नीलमणि के बारे में यशोदा किसी पे विश्वास नहीं करती। अच्छा पहनाइए पहनाइए। रुको, प्रभावती चाची, आप तो कह रही थी कि जशोदा भाभी का एक भी निशाना ना चूकता, पर आज तो एक भी ना लग रहा है। लगता है आज तो बिना आम खाए घर जाना पड़ेगा। पहली बार लल्ला से इतनी दूर आई हूँ ना, मन लौट लौट के उसी के पास जा रहा है। मुझे ना नीलमणि की चिंता हो रहा है, शायद इसीलिए निशाना ना लग रहा हूँ। अरे महाराज को छोड़ के आई हो ना तुम लल्ला के पास, और आते आते रोहिणी रानी को भी तो बोला है ना, कहा था कि नहीं? और नहीं तो क्या, इसलिए आप वहाँ की चिंता छोड़ो जशोदा जी, यहाँ ध्यान दो। जे बित्ते भर की छोरिया नाम में बट्टा लगा रही है। हाँ जी जी, लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नीलमणि की मैया हो। ये पत्थर चाहे भी ना तो अभी आपका निशाना चूक ना सके। हाँ जी जी, वरना लल्ला के कहेगा कि मैया ऐसे ही वापस आ गई, एक काम भी ना ले पाई। तो जे बात है तो दो फिर पत्थर, दिखाती हूँ मैं भी कि नीलमणि की मैया क्या कर सकती है।
प्रभु को भोग लगाओ, फिर जितना मन करे खाओ, और पेट भरे तो लेट जाओ। कौन हंस रहा है? हाँ? बड़ा खिलखिला रहा है, प्राण बचेंगे नहीं तेरे। आपने मेरी मैया को प्रसन्न किया है, इसका फल आपको अवश्य दूंगा मैं। मुझे फल देने चला है तू? अरे दूंगा तो मैं तुझे, वो भी मृत्यु। इसका अर्थ है लल्ला के प्राण संकट में, और हमें उस षड्यंत्रकारी के बारे में कछु पतो न है। भैया, हमें लेख पत्र जांचने होंगे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति गोकुल में आए होगो तो उसके बारे में हमें सब लेखा जोखा पता चल जाएगा। तुम सही कह रहे हो नंद, मैं भी प्रबंध करवाता हूँ। पता नहीं उन गुप्तचरों ने क्या बताया होगा। यदि नंद को मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो नहीं नहीं समय रहते ही कार्य समाप्त करना होगा। धीरे कीजिए महाराज, नीलमणि भयभीत हो जाएगा। क्षमा करना बेटी, वृद्धावस्था में यदि पेट रिक्त रहे तो वायु विकार हो ही जाता है। यशोदा कह रही थी कि भोजन तैयार है, यदि तुम परोस दो तो ये वृद्ध भोजन कर लेगा और वायु विकार से मुक्ति मिल जाएगी। ताई जी आप जाइए, इन ढोंगी महाराज को भरपूर शांति दूंगा आज। अभी लाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, सुखी रहो, खुश रहो। कौन बचाएगा तुझे? गोकुल में किसने प्रवेश किया, कब प्रवेश किया और कब यहाँ से निकलो, इसमें सारा लेखा जोखा है। इससे हमें सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। द्वार बंद किसने किया, खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है फंस गया है। कोई है? श्रीधर महाराज सहायता कीजिए, लगता है द्वार फंस गया है। अब सूक्ष्म बुद्धि की बुद्धि से कौन बचाएगा तुझे? पीछे देखो पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज, हो क्या रहा है? ये कैसा इंद्रजाल है? मैया का बेलन है, लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी, महाराज तनिक व्यस्त है अभी पिटने में। आ,
दुनिया कैसी है। श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज द्वार खोलिए। सच्ची कहूं जीजी, तो मुझे तो लगो ही ना था कि आपके हाथों में अभी भी उतनी कुशलता बची होगी जितनी की पहले थी। इतने बरस हो गए पर जसोदा तो तुम तनिक भी ना बदली। कुछ समय के लिए सबसे दूर अवस्थी हुई थी किंतु भीतर से तो आज भी वही जसोदा हूँ। मुँह में मिठास बहुत है और इस मी में खटास बहुत है। यही तो जीवन है, खटास और मिठास का संगम है कि ना। ला दे इमली दे। यदि मेरे लल्ला को भूख लगी आई ना तो बहुत रोएगो। मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे सब साथ ही जाएंगे ना, तनिक आम तो खा लो। लेख पत्र के विवरण से तो यही पतो चल रहा है कि जो भी व्यक्ति कुछ समय पहले गोकुल में आयो था वो वापस लौट गयो है। परंतु एक को छोड़कर। कौन? श्रीधर महाराज। तू पकड़ में, अब मजा चखाता हूं। बालक, बहुत हो गया तेरा खेल बालक, अब तुझे और समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। आप कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं श्रीधर महाराज? उचित अनुचित में समय व्यर्थ करो तुम। मैं वही कर रहा हूँ जो करने आया हूँ, विष्णु अवतार का अंत। हाँ, हमें स्मरण हुआ, वो अन्य दासियां बता रही थी कि ना तो वो ढंग से चल सकते है और ना ही ढंग से खड़ा हो सकते है। लल्ला! अरे चिची कुछ देर तो रुको, आम तो खा लो। अरे तुम सब समझ ना रही, मुझे कछु ठीक ना लग रहा है। मेरी छठी इंद्री भी संकेत दे रही है, मैं घर जा रही हूँ अपने लल्ला जी। भाभी रुको, भाभी यशोदा भाभी। तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा। अरे अरे, देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे?
आंखें खोलने की चेष्टा तो करो। ये ज्ञान का प्रकाश है श्रीधर, इससे आप सदैव बचते ही रहे हैं। आपके पास बुद्धि तो है किंतु ज्ञान नहीं। आप महान ऋषि शुक्राचार्य के मानसिक शिष्य हैं। आप स्वयं को ज्ञान से और दूर मत रखिए। अब अपने भीतर के अंधकार को इसमें समा जाने दीजिए। कब तक अधर्म की छाया में रहेंगे हम? एक पग आगे बढ़िए और स्वयं अनुभव कीजिए क्या अनुचित था और क्या उचित है। आपने अधर्म के अंधकार में अनेकों दुष्कर्म किए हैं, अब धर्म के प्रकाश के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु, मैं मूर्ख जब से यहां आया हूं आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूं, और आप मुझे ज्ञान के प्रकाश का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। अब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर। मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें। स्वस्मै स्वल्पम् समाजाय सर्वस्वम्, अर्थात अपने लिए केवल आवश्यकता के अनुसार, शेष सब समाज के लिए। रोहिणी चाची, आपको किसने मन करो? जब मेरे और उस महाराज के अतिरिक्त यहाँ कोई है ही नहीं, तो तुम बताओ किसने किया होगा मुझे बंद? तुम ठीक तो है ना लल्ला? हाँ, आज तक अपने लल्ला को अपने से दूर ना करो मैंने। आज पहली बार आप पर विश्वास करके गोपियों के साथ गई थी। आदर से पूछ रही हूं महाराज, सत्य बताओ क्या कर रहे थे आप? आपने सुनी भैया यशोदा ने क्या कही? कि वो आज पहली बार लल्ला को छोड़कर इस भवन से बाहर गई और जे है गयो। यदि उसे पता चलेगा कि
पाखंडी बाबा यहाँ क्यों आयो है और उसके लल्ला के प्राण संकट में हैं, तो फिर कभी वो इस भवन के बाहर पग न धरेगी। मैं समझता हूँ नन्न, पर इसने यदि स्वयं ही सब मान लियो तो? आप दोनों की चिंता उचित है। कितनी कठिनाई से मैया पूतना की घटना भूल पाई थी। इतना तो मैं समझ गई हूँ, जो आप दिखते हो वो आप हो ना। सत्य बताओ, कौन हो आप और आपका उद्देश्य क्या था? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। चोरी करने आए थे यहाँ, नीलमणि की माला चुरा रहे थे। मैंने पकड़ लिया तो बहाना बनाने लगे। अवश्य ही और अधिक मूल्यवान वस्तुएं और आभूषणों को चुराने के लोभ में इन्होंने मुझे भीतर बंद कर दिया और बाहर पूरा भवन उथल पुथल कर दिया। ये सत्य कह रही है? सत्य है। रुक जाइए श्रीधर, मैया को मेरा सत्य मत बताइएगा। ये कैसी लीला है प्रभु, आपका आदेश है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता, पर आपका दिया सद्ज्ञान पाकर अब मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता। मौन धारण करना हो या स्वर उठाना हो, कार्य परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। वैसे आप यहाँ चुराने ही तो आए थे मेरे प्राण। मौन क्यों हो गए, बताओ? ये सत्य है, आप चोरी करने आए थे? बच गए। आप तो मेरे मायके से भी ना आए हो, है ना? आपकी इतनी सेवा की मैंने, आपकी औषधि, आपका भोजन, जिस सब किया मैंने, आपको अपने पिता के समान माना और मेरे स्नेह के बदले जेल लौटाया आपने, आपको तनिक भी लज्जा ना आई? आपने मेरी ममता का उपहास उड़ाया है, एक स्त्री की भावनाओं का अपमान क्यों है आपने? अब आप खड़े क्यों हो मेरे सामने? इससे पूर्व कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे पिता समान हो और इससे पूर्व कि मेरे पति आपको दंड दे, निकल जाइए मेरे घर से। क्षमा कीजिएगा प्रभु। इसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना नंद, इसके कर्मों का कुछ तो दंड देना होगा इसे। दंड में लगो भैया, कंस देगो दंड ने जब ये असफल उसके सामने पहुंचेंगे। हमें पता है किसने भेजो है तुम्हें। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा नंदराज। आप यहां से जीवित इसलिए लौट कर जा पा रहे हैं क्योंकि मैं हिंसा का विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि यशोदा को पता चले कि उसके लल्ला के प्राण बड़े संकट में। पर अब
सावधान रहे महाराज। क्या आप लल्ला के तो क्या कोकुल के भी निकट दिखाई दिए तो मैं वो कर बैठूंगा जो मैंने आज तक ना किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपका ये अस्त्र भी असफल हो जाएगा। इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक लौटा नहीं है, ना ही कोई सूचना भिजवाई है। सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, इसके रक्त में पराजय है ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति से नहीं छल से कार्य करता है। विष्णु जैसे छलिए के लिए सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर से अधिक उपयुक्त कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, जिसे आप छलिया समझ रहे हैं महाराज, वो तो सृष्टि के रक्षक हैं, पालनहार हैं वो तो। मेरी बात मान लीजिए महाराज, उनके प्राण लेने का प्रण त्याग कर अपने मन के अंधकार के प्राण लीजिए, स्वीकार कर लीजिए उनकी कृपा। मस्तिष्क फिर गया है क्या? मस्तिष्क फिर नहीं गया है महाराज, बल्कि जीवन में पहली बार सही कार्य कर रहा है। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। कैसा सत्य? यही कि गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। यदि तुम ये सत्य जानते हो तो हत्या क्यों नहीं की उसकी? बड़े आत्मविश्वास से कहा था ना, प्राण ही ले लूं तो अब क्या हुआ? उनके प्राण कैसे ले लेता महाराज, जो स्वयं जीवन देने वाले, जैसे मुझे जीवन दिया। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था महाराज, किंतु बिना किसी दंड के सुरक्षित यहां तक आ गया। क्या ये प्रभु की कृपा से मिला हुआ नवजीवन नहीं है? ये आपके सामने आपके शत्रु का गुणगान किए जा रहा है और आप अभी भी मौन हैं। यदि वो जीवन देता है तो मैं जीवन लेता हूं। अब तेरा जीवन लूंगा यदि फिर से उसका बखान किया तो। महाराज, आपकी इस तलवार का भय अब मुझे सत्य कहने से नहीं रोक पाएगा। श्रीधर, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू गुरु शुक्राचार्य का शिष्य है और मेरा पुराना मित्र है, चला जा यहां से। चला जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब आप क्या करेंगे महाराज? आपकी ये चाल तो असफल हो गई। कैसे? कैसे असफल हुई मेरी ये चाल अस्ती? इसे विष्णु के अवतार का सत्य पता करने के लिए ही तो बुलाया था मैंने, और वो सत्य मेरे सामने है कि विष्णु का अवतार कौन है और कहां है। विष्णु विष्णु विष्णु, हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमारे नीलमणि की रक्षा की, परंतु क्या होगा? हाँ, मुझे बताओ तो सही, कुछ तो अवश्य है जो आप छुपा रहे हो। आपको इससे पूर्व कभी ऐसी चिंता और क्रोध में तो ना देखो है मैंने? मुझे बताओ तो क्या बात है जो आपको ऐसे भीतर ही भीतर खाए जा रही है? जो भी है मैं संभाल लूंगा। बात को समझो यशोदा, मैं तुम्हें ना बता सकता। आप अपनी पत्नी को भी ना बता सकते? मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी, मुझसे तो साझा करो। हो सकता है आपका दुख चिंता आपकी पीड़ा बांट पाऊं मैं? बताओ तो क्या हुआ है? सब बात तुम्हें बताऊं जो आवश्यक ना है यशोदा। यशोदा, जब पति अपने मन का रहस्य अपनी पत्नी से भी साझा न कर सके तो उनके एक दूसरे से बात करने का लाभ है क्या? ये तो गड़बड़ हो गई। अब जे आएंगे और अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे मनाने का प्रयत्न करेंगे। किंतु इस बार उनकी एक ना सुनूंगी मैं। हाँ यशोदा, 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 मेरी बात तो सुनो यशोदा। तू क्यों मुस्कुरा रहे है? तेरी मैया को मनाना आता है मुझे, तू बस देख तो जा। वाह, इतनी शीघ्र हार मान गए। तू क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे है? क्योंकि आपका क्रोध भी बड़ा मनोहर है मैया। देखियो लल्ला, इस बार तेरे बाबा बिल्कुल ना मना पाएंगे मुझे। हाँ जे, मथुरा से लेकर आयो, पहन कर दिखाओ ना। लल्ला मैं अभी आई हूँ। यशोदा, यशोदा देख तो लो। बाबा, वस्त्रों और आभूषणों से कुछ नहीं होने वाला। तू क्यों खिलखिला रहा है? मैं तो बस इसे संभाल कर
चुप कर लल्ला। देखा लल्ला, बस तेरी मैया मान नहीं वाली। उपहार मिल गयो है तो देखना कैसे मेरी पसंद का भोजन कराएगी। भोजन में स्वाद चाहिए तो मनाने का कोई और ढंग खोजना पड़ेगा। यशोदा, तीव्र भूख लगी है। अरे भाई शीघ्र खाना लगाओ और हाँ थोड़ा अच्छा सा चटपटा भोजन करा देना। अब देखना अच्छे अच्छे पकवान लेकर आएगी। सूखी रोटी और माखन। जो अपनी पत्नी को पूरी बात ना बताते उन्हें 56 भोग ना मिलता भोजन में। भले ही मनाने के लिए नए वस्त्र क्यों ना लाएं, हाँ नहीं तो वाह, ये सूखी रोटी और माखन में भी क्या स्वाद है। बस भोजन के साथ तुम ऐसी दो मीठी बातें कर लेती तो आनंद आ जाता। आनंद तो कछु पतियों को अपने पत्नियों से बातें छुपाने में भी बहुत आता है लल्ला। देख लल्ला, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी जीवन संगनी से सब कुछ बताइयो, कुछ भी छुपाइयो मत। तभी तो तू अच्छा पति कहलाएगा ना, ना तो रूखी सूखी मिलेगी खाने में। हाँ अब तक तो चुप्पी साध कर बैठी थी, कम से कम ताना तुम्हारा। ये प्रसन्न होने की बात नहीं है बाबा, अब तक तो केवल बदली छाई थी। ये संकेत है कि अब बादल भी गरजेंगे और वर्षा भी होगी। यशोदा कब तक बात ना करोगी, अब तो क्षमा कर दो। रानी भाभी आ जाओ। रानी भाभी, ज्योति जी के यहां से कोई आया था और जी मुझे कंठक तह के चलोगे। दे दो। नारायण भली करे। कंठक किस लिए? तुझ पर इतने संकट आ रहे हैं ना लल्ला, इसीलिए ज्योतिषी जी से कह के जो यंत्र वाला कंठक मंगवाओ है तेरे लिए। अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना, बस क्या बतानो है क्या छुपानो है यही चिंता रह गई है। यशोदा चिंता मुझे भी, तभी तो बता ना पा रो के हमारे लल्ला पर आने वाले संकटों के पीछे कोई और ना स्वयं कंस। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। स्वामी लगता है रात्रि भर नींद नहीं आई है आपको। पूतना मारी गई, श्रीधर भी गया, केवल इसलिए कि आप देवकी और वसुदेव के समक्ष दुर्बल पड़ गए।
संतानों के जन्म के लिए आपने उन दोनों को जीवित छोड़ दिया। आपसे छल करके वो दोनों आनंद में हैं और आप सही से विश्राम तक नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी, यदि आपके स्थान पर मैं होती ना, तो उन दोनों को ऐसा कठोर दंड देती कि उचित समय पर हस्ती पहले मैं उन दोनों के उस मायावी बालक का वध करूंगा, फिर उन दोनों को अपने पैरों के तले कुचल दूंगा मैं। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उन्हें जीवित रहना होगा, क्योंकि उस शिशु विष्णु के विरुद्ध वही दोनों मेरा सुरक्षा कवच है। चिंता करो कंस मामा, आपका ध्यान अपने ऊपर से हटने दूंगा, तभी तो कुछ और सोच पाओगे। पुत्र होने का दायित्व मुझे दोनों के प्रति निभाना होगा, चाहे वो मुझे जन्म देने वाले माता पिता हो या मेरा लालन पालन करने वाले मैया और बाबा, जो इस समय युद्ध के लिए तैयार है। कम से कम मुझे बता तो देती ज्योतिषी से परामर्श ले रही हो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। सुन रहे लल्ला, इस संसार में सारा अपराध स्त्री का ही होता है। बात अपराध की ना है यशोदा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये बात बताई होती जान तो... मुझ के ना बताई, तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कछु छुपाने पर कैसा लगता है। युद्ध तो घमासान होता जा रहा है, इसी कारण बस यदि मैंने कछु ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिशोध लोगी मुझसे। हे नारायण, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी कठोर हूं मैं? लल्ला के लिए एक छोटा सा निर्णय तो लियो मैंने, अपने लल्ला पर क्या इतना भी अधिकार ना है मेरा? अब क्या हर बात पर अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? इससे पहले कि ये आंसुओं की वर्षा क्रोध की आंधी में बदल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। यशोदा, मैं मेरे कहने का अर्थ, यशोदा बात तो सुनो। सुनने को बचो क्या है अब? आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची दे दो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। उठना बैठना खाना पीना सब आपसे पूछ कर ही करूंगी अब। अरे आप बोलो तो क्या हुआ? देखो आपने, अपनी पहली करवट ले ली। बहुत सही समय पर ली है, हमारा झगड़ा भी समाप्त करवा दियो। यशोदा भाभी, तुम दोनों ने छठ भर की देरी कर दी, अभी अभी लल्ला ने पहली करवट ली है। हाय, सच्ची? अब भूला जानकी, तुम पूरे गोकुल में मिठाई बटो, गोकुल के राजकुमार ने आज पहली करवट ली है। हाँ। और यशोदा तुम, यशोदा
कौन था वो, कहां गया? कोई तो है यहां। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? कोई तो था, किसी ने तो मुझे धक्का दिया है। ये संभव नहीं है महाराज, इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चींटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु ऐसा हो सकता है जब 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 वो विष्णु अपनी माया का प्रयोग करे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.